क्या ये तुम्हारे लिए कॉमन सीन है कि तुम रात भर पढ़ते हो, नोट्स में डूबे रहते हो और फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते जो तुम डिजर्व करते हो, जितने तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए। तुम्हें लगता है कि यार नहीं, मेरे तो मार्क्स आ ही नहीं पा रहे जबकि मैं दिन रात लगा पढ़ा हूँ। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि कुछ ऐसी एक ऐसा स्मार्ट तरीका है जिससे कि तुम कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। जी हाँ, हाउ टू स्टडी लेस एंड गेट हायर ग्रेड्स। आज मैं तुम्हें कुछ साइंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे ब्रेन को हैक करेंगी और जो तुम्हें बिना ज्यादा पढ़े राइट और बिना थके टॉप मार्क्स लाने में हेल्प करेंगी। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। हाउ टू स्टडी लेस एंड गेट हायर मार्क्स। देखो, सबसे पहली जो चीज आपको ध्यान रखनी है, हमें हमेशा सिखाया गया कि ज्यादा देर तक पढ़ने से, रात रात भर पढ़ने से, घंटों घंटों पढ़ने से ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। रिसर्च कहती है कि क्रैमिंग करने से या घंटों तक, कई कई घंटे पढ़ने से जो हमारी मेमोरी में चीजें फीड होती हैं वो लंबे समय तक याद नहीं रहती। एक्चुअली में अगर आप ध्यान से समझोगे तो जो क्वालिटी स्टडी है वो क्वांटिटी स्टडी को बीट कर देती है। मतलब तरीके से पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। सच कहूँ तो आजकल टीचर्स खुद ये चीज़ें बताते हैं कुछ कि आपको ना बस 6-5 घंटे सोना चाहिए और घंटों तक पढ़ना चाहिए, आपको बस 5-6 घंटे सो, उसके अलावा जो भी टाइम है सिर्फ पढ़ो पढ़ो। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। सच ये है कि ब्रेन सिर्फ शॉर्ट बर्स्ट में अच्छे से फोकस कर पाता है। ये बात याद रख लेना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ब्रेन सिर्फ शॉर्ट बर्स्ट में अच्छे से फोकस कर पाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? स्मार्ट स्टडी करना इसका सॉल्यूशन है, हार्डर स्टडी करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। आओ मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, पहली टिप, एक्टिव लर्निंग। राइट, देखो, पैसिव लर्निंग करना जैसे कि सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहना या नोट्स को हाईलाइट करना ज्यादा फायदा नहीं देता। एक्टिव लर्निंग तुम्हारे ब्रेन को एंगेज करता है। तो तुम क्या करो, एक्टिव लर्निंग का यूज करो, मतलब ऐसी टेक्निक्स का यूज करो जिससे खुद को तुम क्विज कर सको। जैसे तुम क्या करो, जो पढ़ रहे हो वो किसी और को एक्सप्लेन करो, राइट? या फिर तुम एक काम और कर सकते हो, अगर तुम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो फ्लैश कार्ड बनाओ और फ्लैश कार्ड बना करके उसमें अलग अलग क्वेश्चन लिखो, या फिर मैं कहूंगा टॉपिक्स लिख दो रैंडम, और रैंडम फ्लैश कार्ड को जो है तांच के पत्तों की तरह शफल करो और फिर एक रैंडम फ्लैश कार्ड निकालो और देखो कि वो जो कार्ड पे टॉपिक लिखा है क्या तुम उसको रिकॉल कर पाते हो। ये बहुत ही कमाल का तरीका है। तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करो और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो अपने आप को कोई टॉपिक समझाते हुए। उसके बाद जब वो वीडियो आप बंद कर दो, फिर आप ये देखो कि आपने जो बोला है इस टॉपिक के बारे में वीडियो में, क्या वो सही बोला है। ये भी एक अच्छा तरीका है। ये टेक्निक तुम्हारा जो ब्रेन है उसको इन्फॉर्मेशन याद करने पे मजबूर कर देगी, राइट? और ये मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली टेक्निक है। अगली जो टिप है वो है पोमोडोरो टेक्निक। क्या करो तुम, 25 मिनट के लिए फोकस एकदम स्प्रिंट जैसी पढ़ी करो, स्प्रिंट पढ़ाई करो। जैसे स्प्रिंट मारते हैं ना तेजी से छोटी, इसी तरह से 25 मिनट का फोकस पढ़ाई करो। ये मत सोचो कि तुम्हें 6 घंटे पढ़ना है, ये सोचो कि मुझे सिर्फ अभी नेक्स्ट 25 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। दिमाग के अंदर जो भी इंस्टाग्राम या जो भी आ रहा है उन सबको साइड फेंको, 25 मिनट पूरी फोकस से पढ़ो। उसके बाद तुम 5-6 मिनट का ब्रेक लो, राइट? उसमें चिल मारो, थोड़ा सा लेट जाओ, थोड़ा सा बाहर को घूम के आओ, छत पे घूम के आओ, राइट? ये मेथड तुम्हें बर्नआउट से बचाएगा, राइट? और तुम्हारे ब्रेन को फ्रेश फील करेगा। होता क्या है, जब हम लंबे टाइम तक पढ़ाई करते हैं घंटों तक एक साथ, तो ब्रेन को लगता है अरे यार पढ़ना तो है ही, पढ़ लेंगे, तो दिमाग में और थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन जब आप इस टेक्निक का यूज करते हो कि 25 मिनट पढ़ा एकदम फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, तो ब्रेन को लगता है कि यार ये रिवॉर्ड भी तो है, चल 25 मिनट अच्छे से पढ़ लेता हूँ, उसके बाद 5 मिनट का रिवॉर्ड मिलेगा। कोई भी आप कुछ कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपको अच्छा लगता है, लेकिन याद रहे कि ये जो ब्रेक है ये 5-10 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ओके? तो ये आपको करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जब आप इस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हो, फोकस जो टाइम है 25 मिनट्स का, इसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल दूर रखना है। ना तो फोन आपके पास हो, ना सोशल मीडिया, राइट? और ब्रेक टाइम के अंदर अपने ब्रेन को रिचार्ज करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, पानी पी के आ जाओ, या प्रोबेबली थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा सा कुछ भी ऐसा करो जिससे आपको सही लग रहा हो, मे बी गाना सुन लो कोई, राइट?
अब आपको इसके अलावा क्या करना है, जब आप ऐसी चार स्प्रिंट मारो, यानी कि चार बार आपने पोमोडोरो लगाई, यानी 25 मिनट करा पढ़ाई, करी 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट ब्रेक, 25 पढ़ाई 5 ब्रेक, 25 पढ़ाई 5 ब्रेक, ऐसा आपने चार बार जब किया, तो उसके बाद अब आपको एक लंबा ब्रेक लेना चाहिए, राइट। यानी कि लगभग 2 घंटे तक जब आप पढ़ लोगे तो ये 4 सेशन आपके हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक लंबा ब्रेक लेना चाहिए, प्रोबेबली 15 मिनट का, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके ब्रेन के लिए। अब जो अगला टिप है यहाँ पे हमारा, वो है स्पेस्ड रिपीटेशन, राइट। देखो, सब कुछ एक दिन में याद करना के बजाय आपको क्या करना चाहिए, अपनी स्टडी सेशंस को आई वुड से कि दिनों या हफ्तों में स्प्रेड करना चाहिए, राइट। वनस्पत की आप ये सोचो कि मैं सब कुछ ही आज कर डालूंगा, ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ब्रेन पे एक लोड पड़ता है कि यार बहुत कुछ करना है, तो ऐसे में ब्रेन क्या करता है, आपको जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से देखने के लिए बोलता है, ताकि आप ज़्यादा कवर कर सको, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, अपना जो स्टडी सेशन है उसको प्रोबेबली दिनों के हिसाब से डिवाइड करो, ऐसा मत सोचो कि एकदम से मैं सारा कर लूँगा। देखो, जब आप इसको डिवाइड करके करते हो तो इससे जो तुम्हारा ब्रेन है वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन को रीइन्फोर्स करता है। अब इसके अलावा टूल्स जैसे कि क्विजलेट, राइट, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि तुम्हें ऑटोमेटिकली स्पेस्ड रेपिटेशन का शेड्यूल सेट करने में मदद करेंगे, राइट। सो ऐसी एप्स का भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो टेक्निक है, बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, एक फाइनमेंट टेक्निक है, जो कि एक बहुत ही कमाल का टूल है। इसमें आपको करना क्या है, सिंपली जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, उसको ऐसे समझो कि जब ये कॉन्सेप्ट आपने अब पढ़ लिया, तो अब आपको इसको एक 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करना है। तो क्या तुम इस कॉन्सेप्ट को जो तुमने अभी पढ़ा है, जो भी तुम पढ़ रहे हो, इसको एक 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो, इतना सिंपल बना सकते हो? अब उस लेवल पे जाके तुम्हें इसको पढ़ना है। अगर तुम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो तो तुमने सही से नहीं पढ़ा है, राइट। जब तक तुम चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई ना कर पाओ कि तुम 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हो, तब तक तुम उसको मत छोड़ो, राइट, उसको अच्छे से मास्टरी करो। तो इस टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। देखो, अगर तुमने एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कोई, या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट है जिसका एक चैप्टर है, जिसको तुम सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुमने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। लेकिन अगर तुम अटक रहे हो, तुम्हें सही से समझ में नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर से तुम बात कर रहे हो, तो मतलब ये है कि तुम्हें अभी और फोकस की जरूरत है, राइट। तो फाइनमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करो, उस हद तक चीजों को समझो कि तुम बहुत ही सिंप्लीफाई वे में चीजों को समझा पाओ। आखिरी टिप पे बात करूंगा, जो मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, और वो है स्लीप। देखो, सोने के दौरान जब तुम सो रहे हो, तुम्हारा जो ब्रेन है, जो भी तुमने पढ़ा है, उसको ना ऑर्गेनाइज करता है और उसको स्टोर करता है, राइट। तो अगर तुम नींद को स्किप कर दोगे, तो ये जो क्रिटिकल प्रोसेस है ऑर्गेनाइज करने का, पढ़ी हुई चीजों को स्टोर करने का, वो मिस हो रहा है, राइट। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब तुम कई बार सोते नहीं हो, तो तुम जो पढ़ा हुआ है उसको सही से, मतलब तुम्हें याद भी नहीं रहता, और तुम सही से, मतलब ऐसा लगता है जैसे मैंने पढ़ा ही ना हो। तो सोना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं, अरे क्या जरूरत है, अपना थोड़ा बहुत सो, 2-3 घंटे पढ़ाई करो। नहीं, ये बेवकूफ़ी है, इससे आप चीज़ों को सही से नहीं कर पाओगे। स्पेशली मैं तो ये कहता हूँ कि एग्जाम से पहले 7-8 घंटे की आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करो, तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम्हारे मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें।